Hello children and welcome to the digital learning platform of Winsome International School. I am Amrita and today we will be starting the third part of chapter number 4, that is globalization and Indian economy. The last class humne padha tha difference between foreign trade and foreign investment. What is the role of MNC in globalization? And in globalization mein, the countries are linked not only through trade but also for other purposes like tourism, communication, transportation, investment and etc. So, सिर्फ ट्रेड नहीं होता है, ट्रेड के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है बिटवीन कंट्रीज. एंड ग्लोबलाइजेशन से फायदा क्या होता है, लोगों के पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, अपना डोमेस्टिक मार्केट के बाहर फॉरेन मार्केट तक वो पहुंच जाते हैं. क्लियर? टुडे वी विल स्टडी factors that have enabled globalization. Globalization itna badha kaise? How? Now, what are the factors? And liberalization of foreign trade. Now, what is the meaning of the word liberalization? Now, sirf liberal. Have you heard the word liberal or not? Liberal ka matlab hota hai less strict. Ek hota hai strict, koi teacher bahut strict hoti hai na? Toh ek hoti hai strict teacher and ek hoti hai liberal teacher. Matlab जो स्ट्रिक्ट नहीं होती है, जहां पे रूल्स एंड पॉलिसीज थोड़े इजी होते हैं, दैट इज नोन एज लिबरल पॉलिसी. क्लियर? नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल व्हाट इज नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स. कौन से फैक्टर्स है जिससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया या फिर ग्लोबलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा हमारे कंट्रीज में होने लगा? व्हाई? टेक्नोलॉजी इतना इंप्रूव्ड है. हमने लास्ट क्लास पढ़ा था कि हमारे पास इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इतना इंप्रूव्ड है, इतना लेटेस्ट है, जिससे ग्लोबलाइजेशन इजी हो गया. रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो हम कैसे गुड्स को यहाँ से वहां, हम सोचेंगे भी कैसे कि हम गुड्स दूसरे कंट्रीज से गुड्स यहाँ लाएंगे या फिर दूसरे कंट्रीज से कोई भी एक प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोसेस इस कंट्री में लाएंगे कैसे? टेक्नोलॉजी है हमारे पास, दैट्स व्हाई. दिस हैज मेड पॉसिबल मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस. इतने दूर से, नाउ यूएस से सामान आ रहा है इंडिया, हाउ? थ्रू ट्रैवल, थ्रू ट्रांसपोर्ट. तो ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा से ज्यादा हम अपना डेवलप कर रहे हैं. ट्रांसपोर्टेशन डेवलप इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, दैट्स व्हाई. जो स्पीड है वो बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो रहे हैं. लोअर कॉस्ट. नाउ सपोज हम कोई भी चीज दूसरे कंट्री से मंगा रहे हैं, हमारा प्राइस ही ज्यादा, हमने पढ़ा था सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही अगर हमारा ज्यादा है तो क्या हम दूसरे कंट्री से इस कंट्री में सामान लाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारा एम होता है टू रिड्यूस सीओपी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना हमारा मेन मोटो होता है, मेन एम होता है. तो अगर हमारा, हमें ट्रांसपोर्ट करने में अगर ज्यादा पैसे लग गए तो क्या हम उस चीज को आगे बढ़ाएंगे, प्रोसेस को? नहीं. तो कम, लोअर कॉस्ट में, कम पैसों में हम सामान को डिलीवर कर रहे हैं विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. आप ही सोचो कि पहले जब हम फोन में बात करते थे, इट वॉज नॉट फ्री. एक मिनट बात होता था 1 रुपी में. धीरे धीरे 1 रुपी में 3 मिनट बात होने लगा. बट आज की बात करेंगे तो इट्स फ्री, है ना? तो टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, राइट? डेवलपमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव मेड इंफॉर्मेशन इंस्टेंट एक्सेसिबल. तो हमारा जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है ना, हमारा आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना लेटेस्ट है, कम्युनिकेशन सिस्टम इतना ईजी है, इतना रैपिड है, दैट्स वाई ट्रेड हैज बीन पॉसिबल और दैट्स वाई ग्लोबलाइजेशन हैज बीन पॉसिबल. सो फर्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजी. क्लियर? सेकेंड इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड. तो हमने पढ़ा था लिबरल का मतलब होता है इजी रूल्स, ठीक है? नाउ सपोज हम चाइना से टॉयज मंगा रहे, राइट? टॉयज मंगा रहे. नाउ ये है कंट्री ए, ये है कंट्री बी और ये है चाइना, ये है इंडिया.
तो जब हम बाउंड्री पे जब हम कोई भी चीज इंपोर्ट करते हैं, जब कोई भी चीज हमारे इंडिया के अंदर आते हैं, तो बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं या ड्यूटीज लगते हैं। तो इंपोर्ट पे ना, सपोज दिस इज इंडिया, जब टॉयज अंदर आ रही है, इंपोर्ट कर रहे हैं हम टॉयज, तो उस पर लगती है इंपोर्ट ड्यूटी। एक होता है कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सारे ट्रेड में यूज होते हैं, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल, जब जैसे ही बाउंड्री क्रॉस करेगा इंडिया पे, इंडिया का बाउंड्री जैसे ही क्रॉस करेगा, उसमें एक अमाउंट लगेगा, दैट इज नोन एज कस्टम ड्यूटी। नाउ ये टॉय, सपोज ये 200 का टॉय इंडिया में आ रहा है, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लग के उसका प्राइस हो गया 250, और वही टॉय इंडिया में बिक रहा है इन 150, तो लोग क्या 250 वाला टॉय खरीदेंगे? नहीं, इंडियंस इंडिया का टॉय खरीदेंगे। लेकिन अगर ये इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगता है, ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगता है एंड बहुत ही कम पैसे में, नाउ सपोज विदाउट इम्पोर्ट ड्यूटी इजीली वो गुड्स चाइना से इंडिया आ रहा है 150 में, 100 में, तो लोग क्या खरीदेंगे? यस, तो अगर इम्पोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगता है, कस्टम ड्यूटी ज्यादा लगता है, नाउ सपोज ये टॉय का ओरिजिनल प्राइस है 100, इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी लग के, कस्टम ड्यूटी लग के, मतलब टैक्स एंड ड्यूटीज लग के इसका प्राइस हो गया 200, जब वो इंडिया आया इसका प्राइस हो गया 200, कोई इसको खरीदेगा? नहीं। लेकिन अगर ड्यूटी एंड टैक्स कम लगा, लगा तो जरूर, बट लग के ये 100 रुपीज से अगर ये 120 हो गया, ठीक है, इंडिया जब वो आया, जब वो इंडिया आया तो ये जो प्रोडक्ट है 100 का प्रोडक्ट 120 में आया, एंड इंडियंस में इंडिया का जो प्रोडक्ट बिक रहा है वो बिक रहा है 140 में, तो लोग कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे? ऑब्वियसली चाइना वाला खरीदेंगे, राइट। सो अगर यही ड्यूटी बढ़ के लगा, अगर ये ड्यूटी बढ़ के 200 हो गया, तो क्या लोग 200 का टॉय खरीदेंगे? नहीं। तो लिबरलाइजेशन मतलब इसको घटाना, इम्पोर्ट ड्यूटी एंड इम्पोर्ट टैक्सेस को घटा के जब हम प्राइस रख रहे हैं, तो इसका बिक्री या इसका जो डिमांड है वो बढ़ गया। अगर इस पे ज्यादा लगा ड्यूटी तो इसका दाम बढ़ गया, तो क्या ज्यादा दाम में कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा ज्यादा दाम में। सो आर मेन मोटो इज टू इंक्रीज ग्लोबलाइजेशन। अगर हम 120 में गुड्स को सेल करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन होगा, क्योंकि पीपल विल बाय चाइनीज टॉयज। अगर 200 में बेचते तो क्या ग्लोबलाइजेशन होगा? नहीं, क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं। तो आर मेन मोटो इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? लिबरलाइजेशन करेंगे, मतलब टैक्स को कम करेंगे, टैक्स हटा देंगे, जो ड्यूटीज है उसको हटा देंगे, दैट इज लिबरलाइजेशन। जब टैक्सेस एंड ड्यूटीज हम हटा देते या फिर जब हम कम कर देते रेट, दैट इज नोन एज लिबरलाइजेशन, ठीक है। ट्रेड बैरियर, ना व्हाट इज ट्रेड बैरियर? इसी को बोलते हैं ट्रेड बैरियर, जो ड्यूटी एंड टैक्सेस लगती है ना ऑन इम्पोर्ट, दैट इज ट्रेड बैरियर। Are some restrictions that have been set up by government. Now, suppose government ban करना चाहती है, government चाहती है कि China से toys नहीं आए इंडिया में, तो government क्या करेगी? ये जो import duty है ना, बढ़ा देगी। Import duty क्या करेगी? 100 rupees का कोई भी सामान है उस पर ये tax लगा देगी at the rate of 100%। तो ये 100 का goods है, टैक्स लग के हो गया रुपीस 200, है ना। 100 rupees का सामान पे जब 100 rupees टैक्स लग गया तो हो गया 200। तो जब गवर्नमेंट चाहती है कि इस प्रोडक्ट को मैं नहीं लाना चाहता हूं इंडिया, तो वो क्या करेगी? स्ट्रिक्ट लॉज बनाएगी, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगी, ट्रेड बैरियर्स बढ़ा देगी। ट्रेड बैरियर्स मतलब ही हो गए ये इंपोर्ट ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी। तो अगर गवर्नमेंट को नहीं चाहिए ग्लोबलाइजेशन तो वो बढ़ा देगी, एंड अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ग्लोबलाइजेशन हो तो वो क्या करेगी? ट्रेड ड्यूटीज हटा देगी, ट्रेड बैरियर्स हटा देगी, एंड हमारा जो ग्लोबलाइजेशन वो इजीली होगा, मतलब लिबरलाइजेशन होगा। लिबरलाइजेशन मतलब ट्रेड ड्यूटीज हट गए, ट्रेड बैरियर्स हट गए, क्लियर। एंड अगर गवर्नमेंट को अपोजिट करना है
तो वो ट्रेड बैरियर्स बढ़ा देगी. क्लियर. द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज. मैंने बोला इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री. नाउ सपोज जितना हमें जरूरत था उतने गुड्स आ गए चाइना से, अब हमें नहीं चाहिए. इतने दिन तक वो गुड्स 120 में बिक रहा था. अब गवर्नमेंट को नहीं चाह अब गवर्नमेंट चाहती है कि गुड्स हमारे इंडिया में चाइनीज गुड्स नहीं आए, चाइनीज टॉयज नहीं आए, तो वो क्या करेगी, अचानक से इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगी. तो अब इम्पोर्ट ड्यूटी जैसे ही बढ़ाएगी, ये 100 रुपीज का टॉय का दाम हो गया अब 200, तो कोई खरीदेगा नहीं. तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं होगा, मतलब ग्लोबलाइजेशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा. तो ये कौन करता है, ये करता है गवर्नमेंट. टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर. तो ट्रेड बैरियर का एग्जाम्पल है टैक्स ऑन इम्पोर्ट या फिर इम्पोर्ट ड्यूटी, इन शॉर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी. क्लियर. नाउ रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑन ट्रेड इज नोन एज लिबरलाइजेशन. और लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब ट्रेड बैरियर्स हट जाते हैं, जब ये जो बैरियर्स या रेस्ट्रिक्शन है ना, इम्पोर्ट ड्यूटी जो लग रहे हैं या फिर जो इम्पोर्ट पे जो टैक्सेस लग रहे हैं, वो टैक्सेस जो गवर्नमेंट हटा देगी, दैट इज नोन एज लिबरलाइजेशन. क्लियर. व्हेन द गवर्नमेंट इम्पोजेस फ्यूअर रेस्ट्रिक्शन दैन बिफोर इट इज सेड टू बी मोर लिबरल. लिबरल का मतलब ही होता है लेस स्ट्रिक्ट. मैंने बोला था टीचर आपके कोई कोई बहुत स्ट्रिक्ट होते, कोई कोई बहुत लिबरल होते, किसी किसी के रूल्स बहुत, पॉलिसीज बहुत ज्यादा होते, किसी किसी के पॉलिसीज बहुत कम होता है. तो लिबरल का मतलब होता है नो रिस्ट्रिक्शन या फिर इजी रूल्स एंड पॉलिसीज. क्लियर. फॉर इंस्टेंस द पास्ट 50 इयर्स हैव सीन सेवरल इंप्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी. दिस हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट. तो पहले कुछ 5 साल में हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी जो ट्रांसपोर्टेशन का टेक्नोलॉजी है बहुत डेवलप किया है. क्यों? बिकॉज हमने अपना जो ट्रेड बैरियर्स है वो कम किया, लिबरलाइज किया है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज हुआ है इन टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्ट. कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स. नाउ गुड्स आर प्लेस इन कंटेनर्स दैट कैन बी लोडेड इंटैक्ट ऑनटू शिप्स, रेलवे, प्लेन एंड ट्रक. कंटेनर्स हैव लेड टू ह्यूज रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट एंड इंक्रीज द स्पीड विद विच एक्सपोर्ट एंड रीच मार्केट्स. तो हमने पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट को कम किया है. जैसे ही पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट कम किया, स्पीड बढ़ गया. किसका स्पीड बढ़ गया? एक्सपोर्ट ज्यादा होने लगे एंड द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज फॉलन. तो जैसे ही हमने पोर्ट का कॉस्ट कम कर दिया, स्पीड हमारा बढ़ गया एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट गिर गया. एंड इससे क्या हुआ, एनेबल्ड मच ग्रेटर वॉल्यूम्स ऑफ गुड. इससे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बढ़ गया. क्लियर. तो बेसिकली दिस वी वांटेड टू से कि जब हमारा कॉस्ट घट जाएगा, जो ट्रैवलिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो कॉस्ट है वो अगर घट जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या होगी, ट्रांसपोर्ट हो पाएगी. ज्यादा से ज्यादा चीजें अगर कम टाइम में, ज्यादा टाइम स्पीड में, ज्यादा स्पीड में अगर चीजें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होंगी, तो हमारा जो लिबरलाइजेशन प्रोसेस है ये हमें फायदा करेगा. हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़ जाएगा, इट विल गो अप, इट विल राइज. क्लियर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड? सिंपल, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड मींस रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स, और वी कैन से टू व्हेनेवर द रेस्ट्रिक्शंस आर रिमूव्ड. रेस्ट्रिक्शंस आर removed, or we can also say that import tax duty is reduced. तो इतने सारी चीजें जब होंगी तो हम कह सकते हैं कि liberalization हुआ है. government ने अपना rate कम कर दिया, policies and rules बहुत easy कर दिए हैं, trade barriers सारे हटा दिए, that means liberalization. next, tax on import is one type of trade barrier, correct? The government could also place a limit on number of goods that can be imported. This is known as quota. Fixed quota कर देती है कि सिर्फ 100 toys आएगी, इससे ज्यादा toys नहीं आएगी चाइना से. तो quota fix कर दिया number में.
Can you explain using the example of Chinese toys how quotas can be used as trade barriers? Do you think this should be used? Discuss. Yes. अगर हम चाहते कि लोग इंडियंस चाइनीज गुड्स नहीं यूज करें, हम चाहते हैं कि इंडियंस इंडियन गुड्स ही यूज करें, चाइनीज गुड्स यूज नहीं करें, तो हम क्या बोलेंगे कि हम सिर्फ कम अमाउंट या फिर लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड कोटा बोलेंगे, ओनली 500 ही प्रोडक्ट्स आएंगे, इससे ज्यादा प्रोडक्ट हम आने नहीं देंगे. 500 जैसे प्रोडक्ट्स आ गए, 500 के बाद जैसे ही प्रोडक्ट आएगा हम उस पर अपना इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे. तो क्या होगा कि चाइनीज टॉयज, चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया में आएगा नहीं, एंड हमारे इंडियंस क्या खरीदेंगे, इंडियंस प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, चाइनीज प्रोडक्ट्स का एक्सेस ही नहीं होगा उसके पास. ठीक है. सो इन दिस वे वी कैन पुट अ लिमिट, वी कैन पुट एन एंड टू फॉरेन ट्रेड या फिर व्हाटएवर वी डोंट वांट. अगर हमें नहीं चाहिए तो हम ऐसे स्टॉप कर सकते. क्लियर. नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. जीके में हम सब ने पढ़ा है वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ, जेनेवा स्विट्जरलैंड, पढ़ा है ना. सो दैट इज वर्ल्ड ट्रेड. फॉर द नेम इटसेल्फ, वर्ल्ड ट्रेड से नाम से हमें पता चल रहा है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब एन ऑर्गेनाइजेशन विच फैसिलिटेट्स ट्रेड, जो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड को प्रमोट करती है विद इन कंट्रीज, इज नोन एज डब्ल्यूटीओ. सो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड. उसका मेन फंडा क्या है, टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड. एट प्रेजेंट 164 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करेंटली मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ, मतलब इतने सारे कंट्रीज मेंबर्स हैं, मतलब आपस में ट्रेड करते हैं. तो मेन मकसद क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, टू इम्प्रूव और टू मैक्सिमाइज ट्रेड एंड टू रिमूव द ट्रेड बैरियर्स, दैट इज लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड. इट हैज एस्टैब्लिश रूल्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड सो दैट दीज कंट्रीज कैन अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल. नाउ इसमें क्या किया है डब्ल्यूटीओ ने, क्या किया है कि इंटरनेशनल ट्रेड को एनेबल करने के लिए, बढ़ाने के लिए कुछ रूल्स बनाए. किसके लिए बनाए, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए. सो ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेड किसके बीच एनेबल किया है, डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में ट्रेड एनेबल किया है. फ्री ट्रेड होना चाहिए, मतलब ट्रेड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए विद इन कंट्रीज. इट ऑफिशियली कमेंस ऑपरेशंस ऑन 1st January 1995. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स में एमएनसीज में आ सकती है कि व्हेन वाज इट कमेंस्ड. 1st June 1994, मार्राकेश अग्रीमेंट दस रिप्लेसिंग द जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, दैट इज GATT. तो GATT को रिप्लेस किया इसने एंड हो गया एंड हैड बीन एस्टैब्लिश इन 1948. तो वो एस्टैब्लिश कब हुई, 1948. WTO इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन विथ 164 मेंबर्स. 164 कंट्रीज है ना, तो 164 मेंबर स्टेट्स रिप्रेजेंटिंग ओवर 98% ऑफ ग्लोबल टैक्स ट्रेड एंड ग्लोबल जीडीपी. तो ग्लोबल, हमारा जो ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड का जीडीपी एंड ट्रेड में 98% हिस्सा किसका है, डब्ल्यूटीओ, बिकॉज ऑब्वियसली 164 कंट्रीज है, सो मेनी कंट्रीज, दैट्स व्हाई ट्रेड इज बीइंग वेरी एनेबल्ड वेरी इजी. नाउ वेयर आर डब्ल्यूटीओस हेडक्वार्टर, जेनेवा स्विट्जरलैंड. सो लेट्स सी दिस फिल इन द ब्लैंक्स. डब्ल्यूटीओ वाज स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज. दिस इज developed countries. The aim of the WTO is to, WTO का aim हमेशा होता है to liberalize trade. Liberalize trade. सारे policies को liberalize करना and to inculcate more and more trade. WTO establishes rules regarding international trade. Clear? For all countries and sees that they are followed or practiced. They are practiced. In practice, trade between countries is not free and fair. Agar fairly and freely
ट्रेड प्रैक्टिस नहीं हो रहा है तो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया हैव रिमूव्ड ट्रेड बैरियर्स. इंडिया ने क्या किया है, ट्रेड बैरियर्स जो थे उसको रिमूव किया है. क्लियर? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू देयर प्रोड्यूसर्स. क्लियर? तो अगर नहीं ट्रेड रिमूव करेंगे बैरियर्स तो ज्यादा से ज्यादा फ्री ट्रेड नहीं हो पाएगी, इसीलिए इंडिया ने ट्रेड बैरियर्स को खत्म कर दिया. नाउ व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन सो द ट्रेड बिटवीन कंट्रीज इज मोर फेयर. अब मोर फेयर तभी होगा अगर ट्रेड बैरियर्स को हम हटाएंगे, अगर हम लिबरलाइज करेंगे. क्या लिबरलाइज करेंगे? लिबरलाइज द पॉलिसीज. जो भी पॉलिसीज है, जो भी टैक्सेस है, जो भी ड्यूटीज लगते हैं, उन सब में रेट कम करेंगे या फिर हटाएंगे. तो अगर ये चीज करेंगे तो फ्री एंड फेयर ट्रेड होगा. क्लियर? सो टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स एंड टू लिबरलाइज द पॉलिसीज, इन दिस वे वी कैन सी दैट द ट्रेड इज बीइंग फ्री एंड फेयर. नेक्स्ट, इन द अबव एग्जांपल we saw that the US government gives massive sums of money to farmers for production. So, massive sums of money kaun deta hai? Government. Now, government ka kaam hi hota hai to give aid or support or subsidy, grant. Kaun deta hai? Government. So, US government kya deti hai? Money deti in the form of money, aid, assistance deti hai for production. At times government also gives support to promote production of certain type of goods. Now government kabhi kabhi kya karti hai, agar kuch cheezon ka demand bahut zyada hai outer countries se, as if I talk about India, to India ka agar steel ka demand bahut zyada hai outside countries, to government kya karegi, zyada se zyada production, steel ka production ke liye पैसा देगी इंडिया को, इंडियन प्रोड्यूसर्स को, सो दैट इंडिया विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर स्टील. तो प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ गुड्स सच एज दोज व्हिच आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली. डिस्कस वेदर दीज आर फेयर और नॉट. यस, दीज आर फेयर. क्यों? क्योंकि इंडिया का गवर्नमेंट का काम ही होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्या करता है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ऑलवेज थिंक्स अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमेशा सपोर्ट करता है गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट विल प्रमोट दिस टाइप ऑफ ड्यूटीज टू प्रमोट ट्रेड. अगर ज्यादा से ज्यादा, नाउ सपोज इफ गवर्नमेंट विल गिव मनी टू प्रोड्यूस मोर, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड भी होगा. ज्यादा अगर कंट्री में प्रोड्यूस होगा सामान तो इट विल गो टू अनदर कंट्री, इट विल बी एक्सपोर्टेड, इट विल बी एक्सपोर्टेड टू सम अदर कंट्री. ज्यादा एक्सपोर्ट होगा तो क्या होगा, इंडिया में ज्यादा पैसे आएंगे. पैसे आएंगे तो इकोनॉमी डेवलप होगा, प्रॉफिट होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे एंड घूम फिर के हमारा जो कंट्री, इट विल बी मोर एंड मोर डेवलपिंग. सो क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ हेल्प और एड शुड बी गिवन बाय गवर्नमेंट. एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट क्या सोचते हैं, अपना कंट्री एंड अपने कंट्री के पीपल का डेवलपमेंट, जिससे गवर्नमेंट, जिससे लोगों का बेनिफिट होगा, जिससे लोगों का अच्छा होगा, गवर्नमेंट एट द एंड वही करती है. क्लियर? नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया. तो हमने पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अराउंड द ग्लोब ऑल द कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जब प्रोडक्शन होता है, जब ट्रेड होता है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन. हम इंडिया में बैठ के हम यूएस का प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, हम इंडिया में बैठ के जर्मनी के चॉकलेट्स खा रहे हैं, हम इंडिया में बैठ के इटालियन पिज्जा खा रहे हैं. सो वी आर एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग आउट ऑफ आवर कंट्री, दैट इज ग्लोबलाइजेशन. दूसरे दूसरे कंट्री की चीजें हमारे इंडिया में आ रहे हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स आर गोइंग आउटसाइड. इंडिया के प्रोडक्ट्स जो है, अगर यूएस के लोग, जर्मन के लोग, यूके के लोग यूज कर रहे, दैट इज ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. नाउ globalization has impacted the lives of people in India in the following manner. Now, what has globalization done? Globalization and greater competition among producers, both local and foreign producers, has been advantage to consumers.
particularly the villa sections in the urban area. What is the meaning of urban area? शहर के लोगों में बहुत हुआ है. क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन होने के बाद जो प्रोड्यूसर्स है ना अर्बन एरिया में, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो मैन्युफैक्चरर्स, उनको क्या है कि उनको लगा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे से काम करना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके हमारा प्रोडक्शन को बढ़ाना है. सो दैट जब हम अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे कंट्री में जब जाएगी प्रॉफिट ज्यादा होगी, मांग बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा. सो दे आर वर्किंग on the production and in this way they are being developed. It has provided greater choices to consumers. So, ye ho gaya aapka consumers in urban areas. अब यहाँ पे अगर मैं कंज्यूमर्स का बात करूं, ना कंज्यूमर्स को क्या है कि ऑप्शंस चॉइसेस बढ़ गए. ना सपोज हमने पढ़ा था ना कि चाइनीज चॉइस आ गया, इंडियन मार्केट में चाइनीज चॉइस भी आ गया एज वेल एज इंडियन टॉयज भी आ गए. तो जो कंज्यूमर्स है, हम जैसे लोगों के पास चॉइसेस बहुत ज्यादा हो गए, ग्रेटर चॉइसेस हो ना, इंजॉय इंप्रूव क्वालिटी एंड लोअर प्राइसेस. हमने देखा था ना कि जो चाइना के जो प्रोडक्ट्स आ रहे, टॉयज आ रहे, उनका रेट बहुत कम होता है. इंडिया में जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसका रेट ज्यादा हो रहा है एंड सेम टॉयज विद लिटिल मॉडिफिकेशन हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं इन अ लेस अमाउंट. तो चॉइसेस भी बढ़ गया एंड प्राइस भी घट गया. It has resulted in higher standard of living. Now, अब हम क्या करने लगे कि हम branded cloth पहनने लगे हैं, US और UK के चीज हम इस्तेमाल करने लगे हैं, तो हमारा standard of living क्या हुआ, बढ़ गया. अब हम latest technology के साथ जीने लगे हैं, पूरी दुनिया जो culture है, दुनिया जो अपना रही है, वही हम अपनाने लगे. जिस type के dresses दूसरे countries पहन रहे, हम भी वैसे ही dresses पहन रहे. सारे लोगों के पास ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी वैसा है. तो वी आर इंक्रीजिंग और अपलिफ्टिंग आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. टेस्ला आ जाएगा तो हमारा जो क्वालिटी ऑफ कार्स है वो इम्प्रूव हो जाएगी. सो दूसरे कंट्रीज के टक्कर में इंडिया आ जाएगी. हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल गो हाई विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी. ग्लोबलाइजेशन हैज ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज पर्टिकुलर इन द आईटी सेक्टर. आईटी सेक्टर का काम क्या होता है? आईटी सेक्टर का काम होता है इन जो एमएनसीज है, आईटी सेक्टर जोड़ के रखती है दूसरे दूसरे डिफरेंट डिफरेंट एमएनसीज को एक साथ, टेक्नोलॉजी उसको सबको जोड़ के काम करने में हेल्प करते हैं. एमएनसीज वर्क थ्रू आईटी कंपनीज, आईटी कंपनीज ओनली हेल्प द एमएनसीज टू वर्क वर्ल्ड वाइड. तो हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है ना. एमएनसी अगर खुल जाएगा इंडिया में, अगर कोई एमएनसी खुला तो ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे, लोग बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. थ्रू ग्लोबलाइजेशन इट विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्सो इट विल प्रोवाइड सर्विसेज. इंडिया में सबसे ज्यादा एमएनसीज में सबसे ज्यादा इंडिया में जो होता है वो होता है सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज जो होता है वो इंडिया में ही, जो कॉल सेंटर जो खुलते हैं ना, क्योंकि इंडिया के लोग को बहुत ज्यादा अच्छा इंग्लिश आता है. एंड ऑल जो आफ्टर सेल सर्विसेज, जो इफ आई टॉक अबाउट एप्पल, अमेज़न, इन सब के जो आफ्टर सेल सर्विसेज के जो कॉल सेंटर्स है वो कहाँ पे है, इंडिया में. सो इट प्रोवाइड्स सर्विसेज एज वेल एज जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल ऑफ आवर कंट्री. क्लियर? हाउ इज कॉम्पिटिशन बेनिफिटेड पीपल इन इंडिया? नाउ कॉम्पिटिशन कैसे इंडिया में बेनिफिट हुआ है? नाउ सपोज मेरा एक टॉय का फैक्ट्री है, तो अचानक से चाइना से टॉय आने लगा एंड लोग चाइना के टॉय ज्यादा खरीदने लगे, तो मेरा तो डूब जाएगा बिजनेस. मुझे तो अपना बिजनेस नहीं डुबाना है, तो व्हाट विल आई डू? आई विल सी कि कंपटीशन बढ़ गया है, तो हम क्या करेंगे, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे. सो दैट हमारा टेक्नोलॉजी, हम अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करें, इम्प्रूव्ड मेथड्स, वही टॉयज जो पहले हम बनाते थे, अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके हम वो टॉयज बनाएंगे, हम नए नए एंड अपडेटेड मेथड्स यूज करके वो टॉयज बनाएंगे, सो दैट हमारा टॉयज का डिमांड बढ़ जाए एंड चाइना के टॉयज का डिमांड घट जाए. सो अगर कंपटीशन जब ज्यादा होता है तो वी विल वर्क मोर ऑन आवर प्रोडक्शन. पहले क्या होता था, पहले प्रोड्यूसर सोचते भी नहीं थे, इम्प्रोवाइज करने में नहीं बिलीव करते थे, क्योंकि जैसा चल रहा है चल रहा है. अब अचानक से मार्केट में नया एक कॉम्पिटिटर आ गया, तो लोगों को हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम बेहतर हैं, वी आर द बेस्ट.
सो दूसरों के प्रोडक्ट सो दैट नहीं बिके, मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिके, कॉम्पिटिशन जब ज्यादा हो जाता है तो वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन आर प्रोडक्शन, हम अपने प्रोडक्शन मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे एंड उनसे बेटर बनाने का कोशिश करेंगे सो दैट आर प्रोडक्ट्स आर इन मोर डिमांड. क्लियर? नेक्स्ट, शुड मोर इंडियन कंपनीज एमर्ज एज एमएनसीज, हाउ वुड इट बेनिफिट द पीपल इन द कंट्री? यस, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज एमएनसी होना चाहिए ना. हाउ वुड इट अफेक्ट द पीपल इन द कंट्री? सबसे बड़ी इफेक्ट या सबसे बड़ी बेनिफिट तो ये है, इट विल प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज टू पीपल, है ना. अगर एमएनसी ज्यादा खुलेगा तो क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज, लोगों को, बहुत से लोगों को जॉब्स मिलेंगे. अगर ये जॉब्स अगर ज्यादा एमएनसीज खुलेंगे, पीपल को जॉब मिलेगा एंड जॉब के साथ साथ लोगों को दे विल बी मोर एंड मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू मेथड, अपने आप को अडेप्ट करेंगे उन चीजों को. एंड एमएनसीज को भी क्या, लोकल मार्केट से जो रॉ मटेरियल्स हमेशा लोकली मिलते हैं ना. तो कोई एमएनसी अगर इंडिया में है, अब इंडिया से उसको लोकल रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो रॉ मटेरियल्स के लिए वो इंडिया में ही लोकल मार्केट पे ही डिपेंड करेंगे. तो रॉ मटेरियल सप्लायर जो होते, जो इंडिया में जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स होंगे, उनका डिमांड बढ़ जाएगा. वो ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा. सो दे विल बी इन ग्रेट प्रॉफिट, दे विल प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स. क्लियर? सो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे, लोगों का जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा, रॉ मटेरियल सप्लायर को भी बहुत एडवांटेज होगा, बहुत प्रॉफिट मिलेगा. हमारा जो क्वालिटी होगा ना, सिंस अगर एमएनसी आ जाएगा सो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो हम अपने क्वालिटी पे फोकस करेंगे कि हमें अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ाना है. तो क्वालिटी विल इम्प्रूव, हम अपना प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उस पर काम करेंगे, वो ज्यादा बेहतर बनाएंगे. क्लियर? नेक्स्ट, व्हाई डू गवर्नमेंट्स ट्राई टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट? अगर ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब दूसरे कंट्री अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट क्या होगा, कैपिटल मिलेगी हमें. दूसरा कंट्री अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा तो कैपिटल आएगा हमारे पास. एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो होगा इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ आर इकोनॉमी. क्लियर? ये समझ में आ गया कि हमारा जो इकोनॉमी है वो डेवलप्ड होगा, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब भी होगा, इकोनॉमी हमारा डेवलप होगा, कैपिटल हमें ज्यादा मिलेगा. एंड ऑल्सो जब भी इकोनॉमी डेवलप होगा सो इनडायरेक्टली जॉब्स भी बढ़ेंगे, सो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाएंगे. दूसरा कंपनी यहाँ पे काम कर रहा है तो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी मिलेगा, बिकॉज जो कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी वो कंपनी सपोज अगर टेस्ला के लिए, अगर यहाँ पे टेस्ला जब इन्वेस्ट करेगा, टेस्ला अपना टेक्नोलॉजी यहाँ पे हमें इंडिया में अपना टेक्नोलॉजी देगा, सो वी विल गेट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर हमें मिलेगा तो अगर हम एक फैक्ट्री खोलेंगे टेस्ला का, या फिर अगर हम कोई भी कंपनी का अगर यहाँ पे सेटअप स्टार्ट करेंगे, सो वी विल गिव जॉब टू मेनी पीपल विल गेट जॉब, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगा हमारे पास, प्रॉफिट आएगा एंड ऑल्सो इकोनॉमी भी डेवलप होगा. क्लियर? नेक्स्ट कट. ओके, नाउ वी विल हियर स्टडी अ स्मॉल स्टोरी ऑफ रवि. तो रवि क्या है, रवि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है. वो एक लोन लेके एक कंपनी में क्या प्रोड्यूस करता है, तमिलनाडु में वो एक स्टार्ट करता है एंड ही इज प्रोड्यूसिंग हियर कैपेसिटर्स. क्या प्रोड्यूस करता है, कैपेसिटर्स. तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, वो लोन लेके तमिलनाडु में एक कैपेसिटर्स का एक मैन्युफैक्चर करता है, प्रोड्यूस कैपेसिटर्स. और कैपेसिटर्स किसमें किसमें यूज होते हैं, ट्यूबलाइट्स में, बेसिकली ट्यूबलाइट्स एंड टेलीविजन में
यूज होते हैं, तो वो प्रोड्यूस करते हैं कैपेसिटर्स। तो क्या होता है, आफ्टर सम ईयर फ्यू ईयर्स बाहर से दूसरे कंट्री से कैपेसिटर्स आने लगता है एंड पीपल वो कैपेसिटर्स यूज करते हैं, जो इम्पोर्टेड कैपेसिटर्स है वो यूज करने में लगता है, बिकॉज उसका रेट हाफ होता है। जैसे हमने चाइना का टॉयज पढ़ा था ना कि चाइना का टॉयज इंडियन प्राइस से कम होता है, सिमिलरली जो इम्पोर्टेड कैपेसिटर्स है उनका प्राइस जो इंडिया का जो रवि का कैपेसिटर्स था ना, सपोज रवि का कैपेसिटर्स का प्राइस अगर 100 है तो ये जो इम्पोर्टेड कैपेसिटर्स है इसका प्राइस था 50। तो लोग क्या करने लगे, सब इंपोर्टेड कैपेसिटर्स खरीदने लगे एंड रवि का जो बिजनेस है वो ढप हो जाता है, बिकॉज पीपल नाउ स्टार्ट बाइंग इंपोर्टेड कैपेसिटर्स। ओके, तो जब इंपोर्टेड कैपेसिटर्स जब खरीदने लगते हैं तो रवि के पास क्या होता है, प्रोड्यूसेस लेस देन हाफ द कैपेसिटर्स। नाउ क्या होता है, रवि का प्रोडक्शन कम हो जाता है, रवि के अंडर में जो लोग काम करते हैं वो कम हो जाता है एंड उसका अर्निंग भी कम हो जाता है। यहाँ वो लोन लेता है बट यहाँ पे वो लोन चुकाने के स्थिति में नहीं होता है, बिकॉज He produces less capacitors. अब वो पहले के जैसे capacitors produce ही नहीं कर पाते क्योंकि कोई खरीदता ही नहीं है, तो why will he produce? तो वो basically loss में चलता है। Now in this case क्या होता है, बाद में हम देखते हैं कि उसके जो दोस्त रवि के दोस्त भी कुछ दोस्त कैपेसिटर्स खरीदते हैं, बट वो लोग को भी अपना बंद करना होता है। क्या बंद कर देते हैं, अपना इंडस्ट्रीज बंद कर देते हैं क्योंकि कोई चलता ही नहीं, कोई खरीदता ही नहीं, इसलिए वो बंद करना होता है उसको। क्लियर? नाउ इससे क्या होता है, व्हाट आर द वेज इन विच रवि स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट वॉज अफेक्टेड बाई राइजिंग कॉम्पिटिशन। तो इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया है कि रवि का क्या होता है, नो वन बाय कोई खरीदता ही नहीं है रवि का कैपेसिटर्स। नाउ रवि इज सफरिंग फ्रॉम लॉस, प्रोडक्शन ऑल्सो रिड्यूसेस, उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, प्रॉफिट भी कम हो जाता है, एज वेल एज क्या होता है, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ जाता है। कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है क्योंकि वो हाफ ऑफ द रेट में मिलने लगता है, इंपोर्टेड वाले जो है वो हाफ रेट में मिलने लगता है, तो रवि इज इन लॉस। क्लियर? तो राइजिंग कंपटीशन में रवि को सफर करना होता है, ही इज सफरिंग फ्रॉम लॉस। नाउ शुड प्रोड्यूसर्स सच एज रवि स्टॉप प्रोडक्शन बिकॉज देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हायर कंपेयर्ड टू प्रोड्यूसर्स? नो। नाउ उसकी तो कोई गलती नहीं है, इंपोर्टेड अगर उसके रेट से हाफ रेट में अगर बेचते हैं तो इसमें इसकी क्या गलती है, इसको क्या बंद कर देना चाहिए? नो, इसको बंद नहीं करना चाहिए प्रोडक्शन, बट इसको क्या करना चाहिए, अपना प्रोडक्शन मेथड को बदलना चाहिए, जो प्रोडक्शन के जो मेथड्स है ना उसको चेंज करना चाहिए, चेंज प्रोडक्शन मेथड्स, लेटेस्ट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी एंड मेथड्स यूज करने चाहिए फॉर प्रोडक्शन। नाउ अपना जो स्टैंडर्ड है क्वालिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। नाउ सपोज अगर क्वालिटी इंप्रूव, नाउ सपोज अभी अगर सेम कैपेसिटर को थोड़ा सा क्वालिटी उसका अच्छा करके बेचता है, जो चाइना से जो इंपोर्ट होता है, सॉरी जो इंपोर्टेड कैपेसिटर्स होते हैं उससे ज्यादा अच्छे क्वालिटी का अगर रवि प्रोड्यूस करने लगेगा तो लोगों को 100 रुपए देने में कोई 100 रुपए क्या ज्यादा रुपए देंगे, क्योंकि हम क्वालिटी अगर हम देखते कि इस चीज का क्वालिटी ज्यादा है तो उस टाइम हम पैसे का नहीं सोचते। अगर इंपोर्टेड क्वालिटी से हमारा इंडियन क्वालिटी ज्यादा बेहतर हो सो वी विल गिव मोर मनी एंड बाय दैट पर्टिकुलर थिंग। तो रवि को भी अपना क्वालिटी इंप्रूव करना पड़ेगा, अपना जो टेक्नोलॉजी है मेथड्स है उसको चेंज करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस अ बेटर क्वालिटी ऑफ कैपेसिटर, तब क्या होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा इससे खरीदेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, रीसेंट स्टडीज पॉइंट आउट दैट स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया नीड 3 things टू कम्पीट बेटर इन द मार्केट। एक होता है बेटर रोड्स, पावर, वाटर, रॉ मटेरियल्स, मार्केटिंग एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। सेकेंड, इंप्रूवमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी तो इंप्रोवाइज करना सब चाहते हैं।
टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट. सबको चाहिए कि हमें पैसा मिले, क्रेडिट मिले कम इंटरेस्ट रेट पे. ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे कोई खरीदना नहीं चाहता है. सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच अ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्ट. स्मॉल प्रोड्यूसर्स नहीं चाहते. राइट नाउ कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस थ्री थिंग्स वुड हेल्प इंडियन प्रोड्यूसर्स. नाउ इंडियन प्रोड्यूसर्स को हेल्प कैसे होगा? सबसे पहले अगर उनको चीप रेट में क्रेडिट मिलेगा, चीप रेट में क्रेडिट मिलेगा तो वो मोर एंड मोर फैक्ट्रीज सेट करेंगे और इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज मोर एंड मोर सेट करेंगे. जो बिजनेस है, बिजनेस आइडियाज है, बिजनेस सेटअप्स बढ़ेंगे, बिजनेस विल इंक्रीज. क्योंकि लोगों को क्या मिल रहा है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल रहा है, लोगों को चीपर रेट में क्रेडिट मिल रहा है, तो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमारे इंडिया में बढ़ जाएंगे. क्लियर? डू नाउ डू यू थिंक एमएनसीज विल बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन दिस? नाउ अगर ये सब चीज अगर इंडिया में हो रहा है तो एमएनसीज को इससे क्या फायदा होगा? कुछ नहीं. एमएनसीज को फायदा तब होता अगर गवर्नमेंट लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट करती. अगर लैंड बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कुछ चेंज करती या इंफ्रास्ट्रक्चरल कुछ बेनिफिट करती, अगर गवर्नमेंट इन सब चीजों में कुछ इन्वेस्ट करती तब एमएनसीज वुड बी इंटरेस्टेड. इन सब चीजों में बेटर रोड्स, पावर, वाटर, इनमें एमएनसीज को कोई मतलब नहीं है. इनमें सिर्फ और सिर्फ हमारे जो इंडियन में जो स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, सिर्फ उनको बेनिफिट होगा, नॉट एमएनसीज. एमएनसीज को तब बेनिफिट होता अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता, लैंड एंड बिल्डिंग में इंप्रूवमेंट होता, तो ही उसको बेनिफिट होता. नाउ कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर स्टेप दैट द गवर्नमेंट कुड टेक? नाउ अदर स्टेप गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अदर स्टेप गवर्नमेंट यही कर सकती है कि जो रेट्स है वो चीप कर दे, गवर्नमेंट लोन दे, असिस्टेंस दे, सब्सिडी दे. तो इन दिस वे गवर्नमेंट कैन हेल्प इन मोर एंड मोर डेवलपमेंट. तो गवर्नमेंट यही कर सकती है कि जो रेट्स है, जो क्रेडिट और या लोन के जो रेट्स है उसको कम कर दे, सब्सिडीज दे, ग्रांट्स दे, एड्स दे, टू सेट अप मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, फैक्ट्री ज्यादा से ज्यादा खोलने में हेल्प करे. सो दीज आर द थिंग्स दैट अ गवर्नमेंट कैन डू. आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू यू. हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बारे पढ़ा कि एक WTO होता क्या क्या है. उसका मेन जो मुद्दा वो क्या है? टू लिबरलाइज the policies and to promote more and more trade. उसके headquarters कहाँ पे है? Geneva में. हमने ये भी पढ़ा कि government कैसे trade को बढ़ाती है, trade barriers हटा के trade को promote करती है, जो taxes and जो duties लगते हैं उसका rate को कम करती है, जो policies है उसको हटाती है. In this way, by liberalizing the policies, government can facilitate or promote more and more trade. और हमने लास्ट में ये भी पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन से क्या हेल्प होता है, लोगों का क्या होता है. एमएनसी सेट होगा तो लोग कैसे बेनिफिट होंगे उससे. एंड हमने ये भी पढ़ा कि अगर लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग में अगर गवर्नमेंट डेवलप करेगी तो ही एमएनसी इसको फायदा होगा. बाकी जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, जैसे रवि जैसे प्रोड्यूसर्स है, उनका लॉस, उनका कंपटीशन जब बढ़ता है तो उनको प्रॉफिट तभी होगा अगर उसके पास लेटेस्ट मेथड, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो यूज करेगा. गवर्नमेंट अगर उसको चीप में सब्सिडीज देगी, लोन देगी, या फिर वो अपना क्वालिटी इंप्रूव करेगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंप्रूव करेगा, तो ही विल सफर प्रॉफिट एंड ही विल नॉट सफर ग्रेट कॉम्पिटिटिव लॉस. क्लियर? आई होप till here you have understood this chapter. It's very interesting. Now we are left with only the last part of this chapter, which is more interesting and more easy. Till here these topics are clear to you, then it's fine. Still, if you have any doubt, you can always ask. Till then, thank you and bye-bye.